हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर SSC CRPF कॉन्स्टेबल एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए, इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यह हमारा पार्ट वन है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। यह हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, जिसमें दिया है सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर वन में हमें फोर ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक विषम शब्द मीन्स ऑड नंबर हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें से ABCD ये ऑप्शन दिया है, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा वो आप आंसर करके कमेंट बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा इजेक्शन, जो कि है इसका ऑप्शन नंबर डी। अब ये कैसे आया इसको हम देखते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेंसी है टेंडेंसी और लीज, कब्जा कब्जा किराए का घर पट्टा, ये तीनों चीज़ें जो होती है वो सिनोनिम से है। ठीक है, जो कि रिलेटेड है जमीन लैंड से, ओके, एंड हाउस से। और यहाँ पे इजेक्शन जो है वो एक एंटोनिम से इनका, तो इसीलिए ये इसका ऑड वर्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू हमें दिया हुआ है, इसमें भी हमें ऑड वर्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रबर, स्केल, इंक एंड गम। तो आप देख सकते हैं रबर, इंक और गम, ये तीनों चीज़ें हमें ट्री से मिलती है। ठीक है, और स्केल हमें ट्री से नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली जो बी वाला हमारा जो है वो ऑड वर्ड हो जाएगा, जो कि ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री में भी हमें ऑड वर्ड फाइंड करना है। तो आप देखिए, इसे समझिए और कमेंट कीजिए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है डी, क्यूरियस। तो ये कैसे आया, आप देख सकते हैं एंगल जो होता है, इसका मतलब होता है जहाँ पे हम एरोप्लेन्स को रखते हैं। ठीक है, जो एरोप्लेन से को रखने की जो जगह होती है उसको हम हैंगर बोलते हैं। ठीक है, आप जो जू जो है वहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं, आर्मोर में हम सारे शस्त्र रखते हैं, जो भी हमारे आर्म्स होते हैं, आर्म होते हैं उनको हम रखते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब क्यूरियस जो होती है कलाकृतियाँ, उनको हम रखते हैं कहाँ पर, उनको हम रखते हैं म्यूजियम में। ठीक है, अब यहाँ पे जो वस्तु है, जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, उसी को यहाँ पे इन्होंने दे के रखा है क्यूरियस, जो कि हमारा ऑड वर्ड है, इसीलिए ये हमारा आंसर हुआ। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर दिया है, जो कि कुछ 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर दिए हैं यहाँ पे, इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक ऑड वर्ड होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 576। जो 576 है वो स्क्वायर है 24 का, और बाकी सारे स्क्वायर है, ना ही क्यूब है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा, जो कि है 576। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव दिया है, तो इसमें भी हमें ऑड वर्ड फाइंड करना है। तो दिया है 2/7, 3/5, 7/21 एंड 6/5। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर के आप जो देखेंगे ABC, तो इन तीनों ऑप्शन में जिसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन देखेंगे डी, उसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो बस यही एक डिफरेंस है, जिसके कारण डी वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं ऑड वर्ड है हमारा 6/5, जो कि डी वाला है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, कुछ डेट से लिखा हुआ है, तो इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा एक ऑड वर्ड या फिर ऑड डेट कौन सी होगी इसमें से। ठीक है, और देखते हैं इसका आंसर। आप देख सकते हैं ABC में जितने भी डेट्स लिखे हुए हैं सारे करेक्ट डेट्स है। ठीक है, और जो डी वाला है उसमें इनकरेक्ट डेट लिखा हुआ है, क्योंकि फरवरी का मंथ जो होता है उसमें 31 जो होता है वो आता ही नहीं है। ठीक है, या तो 28 की होती है फरवरी, या तो 29 की होगी, तो इसीलिए जो हमारा डी वाला
एक ऑड वर्ड हो जाएगा या फिर ऑडेड हो जाएगी। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें आइडेंटिफाई करना है एक ऑड वर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 19/101:11। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब 12 एंड 13 को हम ऐड करेंगे तो 25 होगा, जो कि हमारा 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 19 और 1081 को हम ऐड करेंगे तो 120 होगा, जो कि 11 का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसीलिए अब 25 और 24 को जब हम ऐड करेंगे तो 49 होगा। ठीक है, जो कि हमारा 7 का स्क्वायर है। और डी वाले में आप देख सकते हैं 19 और 17 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 36, जो कि 6 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे सब में जो ट्रिक जो है फॉलो हो रही है, बट जो बी वाला है इसमें ट्रिक फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 120 हो रहा है जो कि 11 का स्क्वायर नहीं है। तो यही हमारा ऑड वर्ड होगा। तो चलिए आप मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें से हमें आइडेंटिफाई करता है कौन सा हमारा एक ऑड वर्ड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी। ओके, तो ये सी कैसे आया आप देख सकते हैं ए बी और डी में। ठीक है, इनमें जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं सारे के सारे कॉन्सोनेंट में लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और सी वाले में कॉन्सोनेंट तो है पर उसके साथ में एक वोवल्स भी आप देख सकते हैं यू। तो इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक है, कॉन्सोनेंट और वोवल्स वाला। यदि वो आपको आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, इसमें से हमें एक और लेटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे बी जो है बी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो बी जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 नंबर पे आता है, और एफ 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, सेड 26 नंबर पे आता है। तो बी एफ जेड इन तीनों के जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है जो कि है 2, 6 एंड 26, तो वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, कौन से नंबर है? ऑड नंबर है। और आप आई को देख सकते हैं तो आई जो है एक इवन नंबर है। ठीक है, एक विषम संख्या है, बाकी आई जो एक विषम संख्या पे आ रहा है, और बी एफ और जेड जो है वो एक सम संख्या पे आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आई आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट जो लिखा लगा हुआ है इसमें, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, उसमें सिर्फ इसकी जो पोजिशनिंग है उसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगाया है इसमें। चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चलिए बताइए आप कमेंट करके कि इसमें सही इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर डी, इसका सही आंसर है। ठीक है, अभी कैसे आया तो आप देख सकते हैं कि जी के अपोजिट टी आता है, क्यू के अपोजिट जे आता है, और बी के अपोजिट वाई होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जो हमारे जितने भी अल्फाबेट होते हैं उसमें लेफ्ट और राइट जो अपोजिट आते हैं, बस वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। जो आई के अपोजिट आर हो गया, जे के अपोजिट टी हो गया, ई के अपोजिट वी हो गया, वैसे ही सी वाले ऑप्शन में डी के अपोजिट डब्ल्यू हो गया, जे के अपोजिट क्यू हो गया, के अपोजिट पी हो गया। ठीक है, बट आप डी वाला देखेंगे तो एम के अपोजिट एंड तो होता है, एफ के अपोजिट यू होता है, पर एल के अपोजिट पी नहीं होता है, क्योंकि एल के अपोजिट होता है ओ। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक ऑड वर्ड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा टोटल 10 क्वेश्चन की सीरीज। यदि आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए आप इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए आगे भी। धन्यवाद।